नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं शशि थरूर। जी हां, शशि थरूर अब भड़क गए हैं किस पर? मल्लिकार्जुन खड़गे पर। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लिए हमने देखा कि किस तरह से भाई तमाम नेता जो है वो लगातार पर्चा भरते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो लड़ाई है एक बार फिर शुरू हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी हिसाब से अध्यक्ष पद के लिए बेहतर नहीं है। और ऐसे में खबर ये सामने आई कि जल्दी सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। क्या सोनिया गांधी से जो मुलाकात करेंगे उसके बाद कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं या खुद वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो सकते हैं, जैसे कि गहलोत हो गए, दिग्विजय हो गए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शशि थरूर लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी के खास है, गांधी परिवार के खास है, इसलिए उनको ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो एक दलित चेहरा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक दलित नेता है वो, और अगर कांग्रेस पार्टी उन पर बड़ा दांव खेलती है तो शायद ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात रहेगी। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी जहां धर्म जाति समुदाय को लेकर काम कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अब इसी तरह के फॉर्मूले पर काम करती नजर आएगी? हालांकि इन सब के बीच शशि थरूर काफी समय से जो है वो अध्यक्ष पद के लिए रेस में बने हुए थे, काफी समय से जो है वो अध्यक्ष पद पर अपने आप को आगे देख रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात बने हुए वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर कोई भी बैठे लेकिन नेताओं के बीच जो फुटमस आज देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाराज नेता आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी से अलग होते चले जाएंगे? जिस तरह से गहलोत नाराज दिख रहे हैं, इससे पहले गुलाम नबी जो आजाद थे वो नाराज दिख रहे हैं, शशि थरूर की अब नाराजगी देखने को मिल रही है। तो जो तमाम नेता ऐसे नाराज हो रहे हैं उनको क्या मनाया जाएगा, क्या इनको समझाया जाएगा, या फिर ये नेता भी धीरे धीरे करके पार्टी का साथ छोड़ देंगे? कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की अगर बात करें तो उन्हें जल्द ही अब कोई बड़ा फैसला जरूर लेना होगा। एक नाम पर उन्हें जरूर जो है मुहर लगानी होगी, क्योंकि तमाम नाम इस वक्त उतर चुके हैं, हर कोई नॉमिनेशन जो है पर्चा भर रहा है। शशि थरूर का हमने देखा था किस तरह से भाई वो नजर आए थे, इसके अलावा हमने देखा कि दिग्विजय भी थे लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है वो कुछ नेताओं की तरफ से मिल रहा है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में शशि थरूर खड़गे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ना सिर्फ खड़गे के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।